की चार श्रेणियां होती है, कर्म से पाप हो जाए समाप्त तो हो जाते हैं, इंद्रियों से पाप हो जाए समाप्त तो हो जाते हैं, मन से भी पाप हो जाए समाप्त तो हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि में कहीं पाप चला गया तो फिर असंभव सा हो जाता है। और जिसकी बुद्धि में पाप चला जाता है उसी को राक्षस कहते हैं। आपके कर्मों से पाप हो जाए, भगवान नाम ले लो, मुक्ति हो जाती है। इंद्रियों से पाप हो जाए, कुछ जप तप कर लीजिए, उससे मुक्ति हो जाए। मन से पाप हो जाए, चांद्रायण इत्यादि व्रत कर लो, उससे मन से हुए पापों से मुक्ति हो जाती है। लेकिन कहीं पाप बुद्धि में चले गए तो फिर राक्षस, क्योंकि कंस भी तो भगवान कृष्ण का मामा ही था, मनुष्योनि में था, लेकिन उसके बाद भी उसको राक्षस का, क्यों? क्योंकि वह पापमति है। जिसकी बुद्धि में पाप चला जाता है वह पापमति हो जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं वो पापमति है, पापमति है वो। और ऐसे उस पापमति को यदि पता चल गया तो तुम्हारे पुत्रों का वो बेमतलब ही हत्यारा बन जाएगा। इसलिए मुझसे न कराओ तो ठीक ही है, क्योंकि मैं यदुवंशियों का वसुदेव का कुल पुरोहित हूं, कहीं वसुदेव का पुत्र ना मान ले वो तुम्हारे पुत्र को। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी, कंस को तब पता चलेगा जब गांव को पता चलेगा। यहां तो केवल हम चार को पता चलना है, आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, देवकी यशोदा को पता चलेगा, रोड़ी को पता चलना, चार लोगों को पता होना, पांचों को तो पता ही नहीं चलना है। चलो चलते हैं नामकरण करने के लिए। तैयार हुए गर्गाचार्य जी महाराज और भगवान का यहां पर नामकरण हो रहा है। दृश्य वो ऐसा है, गर्गाचार्य जी बैठे थे गौशाला में, उधर से मां यशोदा कृष्ण को लेकर के आई, बलराम जी को लेकर के आई, और जो ही सामने नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को देखा, सब कुछ अपनी सुधबुद्ध खो गए कि मैं कौन हूं, कहां हूं, यह भी उनको याद नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कैसा हूं। आसन पवित्रकरण भूल गए। बाद में गर्गाचार्य जी महाराज को हिलाया डुलाया, बाबा क्या हो गया? गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, थोड़ी सी मैं अपनी स्थिति में पहुंच गया था, क्योंकि मेरा इष्ट मेरे सामने है, और जब इष्ट को देखा तो स्थिति थोड़ी विचित्र हो ही जाती है। जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप जीवन भर सोचते हैं और जब वो सामने आ जाता है, यही स्थिति हो जाती है।